फ्रेंड्स, जैसे कि हमने अब तक देखा कि हमने पढ़ा सेंटेंसेस के बारे में और उसके टाइप्स पढ़े हमने हमारे प्रीवियस सेक्शन में। आज हम थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ने के पहले चलिए आइए थोड़ी सी रिविजन कर लेते हैं। हमें क्या पता है, वर्ड्स से बनते हैं सेंटेंसेस, सेंटेंसेस से बनते हैं पैराग्राफ, पैराग्राफ से बनते हैं पैसेजेस। अभी जो सेंटेंसेस है तो वो सेंटेंसेस क्या है? सेंटेंसेस आर द ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स सेंस और एक्सप्रेसेस अ थॉट, ये हमने देखा था। उसके बाद हमने देखा कि देयर आर फोर टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। दे आर असर्टिव सेंटेंसेस, इंपरेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। हमारे प्रीवियस सेक्शन में हमने इनको डिटेल में पढ़ने की कोशिश की है, आइए थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। तो हमने देखा था सबसे पहले असर्टिव सेंटेंसेस। असर्टिव सेंटेंसेस मतलब दैट डिक्लेयर्स और असर्ट समथिंग, ठीक है। एक ये नॉर्मल सिंपल सेंटेंसेस रहते हैं विच स्टार्ट विद अ सब्जेक्ट एंड एंड्स विद अ फुल स्टॉप, ठीक है। इसके फॉर्मेशन में हमने देखा था सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसके हमने बहुत सारे एग्जांपल्स भी देख रहे थे, जैसे कि शी प्लेस क्रिकेट, तो ये क्या हो गया, ये असर्टिव सेंटेंस होगा। और अगर हेल्पिंग वर्ब से लेना है तो शी इज प्लेइंग क्रिकेट, तो ये क्या हो गए, ये हमारे असर्टिव सेंटेंसेस हो गए। उसके बाद में हमने देखा इंपरेटिव सेंटेंसेस। इंपरेटिव सेंटेंसेस मतलब जो इंस्ट्रक्ट कर रहे हो या रिक्वेस्ट कर रहे हो या कमांड दे रहे हो या ऑर्डर दे रहे हो, ऐसे सेंटेंसेस को बोलते हैं इंपरेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। इंपरेटिव सेंटेंसेस का फॉर्मेशन हमारा हुआ था V1 प्लस ऑब्जेक्ट के साथ में और फुल स्टॉप के साथ में एंडिंग, ठीक है। तो ये जो V1 प्लस ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं, या हम क्या कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर इसके एग्जांपल देखें तो कैसे होगा, शट ऑफ द डोर, तो ये क्या हो गया, ये मैं बता रही हूँ, इंस्ट्रक्ट कर रही हूँ कि डोर बंद कीजिए, गिव मी दैट पेन, तो ये क्या हो गया, गिव मी दैट पेन, ये हो गया हमारे इंपरेटिव सेंटेंसेस में आएगा। उसके बाद हमने पढ़े इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस मतलब क्वेश्चन आस्किंग सेंटेंसेस, जो एक क्वेश्चन पूछ रहा हो कोई भी सेंटेंस में, तो वो आ जाता है हमारा किस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में। अभी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का फॉर्मेशन देखने के वक्त हमने दो फॉर्मेशन देखे थे, HV मतलब हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और WH प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस हमारा हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए इसमें हमें क्या, इट इज इट रेनिंग, तो ये क्या हो गया, ये हमारा क्वेश्चन मार्क से एंडिंग वाले जो ये रहेंगे वो आ जाएंगे हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में। और यहाँ पे जब WH व्हाट इज़ योर नेम, तो WH के साथ में हेल्पिंग वर्ब आएगा और फिर वैसे का वैसे स्टेटमेंट हमारा कंटिन्यू होगा, ठीक है। उसके बाद में हमने देखा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। व्हाट आर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, मैंने बताई थी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस मतलब दैट एक्सप्रेस समथिंग, दैट एक्सप्रेसेस अ फीलिंग विद अ अर्ज, मतलब एक फीलिंग एक्सप्रेस करना और बहुत एडमायरेशन या समथिंग कुछ मतलब फीलिंग एक्सप्रेस करना, ठीक है, वो आ जाते हैं हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में। इसमें हमने जैसे कि देखा था दो फॉर्मेशन, व्हाट प्लस ए एंड प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब एंड एंडिंग विद अ एक्सक्लेमेशन मार्क। फिर हमने देखा था हाउ एडजेक्टिव प्लस हमारा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब एंड एंडिंग विद अ एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है। हमने यहाँ पे ये भी पढ़ा कि व्हाट हम कब यूज़ करेंगे, व्हाट हम यूज़ करेंगे जब ए एन रहता है, ये हमने फंडा पढ़ा था हमारा। और हम हाउ कब यूज़ करेंगे, हाउ हम यूज़ करेंगे जब ए एन नहीं रहता है। इसके हमने एग्जांपल देते थे, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस इट इज़, तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। हाउ रिडिक्यूलस यू आर, तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। चलिए आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं जो है ट्रांसफॉर्मेशन। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। अभी ट्रांसफॉर्मेशन मतलब चेंजिंग इट्स फॉर्म विदाउट चेंजिंग इट्स सेंस। कोई भी सेंटेंस का अगर चेंज कर रहे हम, changing its form without changing its sense,
ठीक है, कोई भी सेंटेंस का फॉर्म चेंज करना पर उसका मीनिंग चेंज ना करना, उसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। हम देखेंगे आगे बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे कि इन चारों में कैसे हम इनको इन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, हमने ये भी पढ़ा था कि कैसे ये चार बहुत अलग अलग फॉर्मेशन दिखाते हैं और इनके आइडेंटिफिकेशन भी अलग अलग है, पर ट्रांसफॉर्मेशन करने के वक्त हम यहाँ पर असर्टिव को एक्सक्लेमेटरी में कर सकते हैं या एक्सक्लेमेटरी को असर्टिव में कर सकते हैं, असर्टिव को इंपरेटिव में कर सकते हैं। तो ये सब पॉसिबल है, इनका फॉर्म चेंज करना पॉसिबल है, जिसको ही हम बोलते हैं हमारा ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, चलिए आइए पहला देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, जो है असर्टिव चेंजिंग टू एक्सक्लेमेटरी। सबसे पहले व्हाट डू यू, यहां से क्या समझ रहा है कि असर्टिव चेंज हो रहा है एक्सक्लेमेटरी में? मतलब हमारे सिंपल सेंटेंसेस चेंज होंगे हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में। जैसे कि हमको पता है हमारे सिंपल सेंटेंसेस का फॉर्मेशन ये है, इसको चेंज करना है हमें ये वाले इसमें। ठीक है, तो ये चेंज कैसे होंगे चलिए आइए देखते हैं। तो सबसे पहले असर्टिव का हम क्या लिखेंगे, असर्टिव का हम लिखेंगे फॉर्मेशन। तो असर्टिव फॉर्म करने के लिए क्या रहता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट रहता है। उसके बाद में अगर इसको चेंज करने की कोशिश की जाए तो क्या होगा, यहाँ पे अगर ए एन है तो ये हो जाएगा वॉट प्लस ए एन प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब और एक्सक्लेमेशन मार्क। ये हो गया हमारा पहली स्टेप जहाँ पे असर्टिव चेंज होगा हमारे एक्सक्लेमेटरी में। इसके हम एग्जांपल्स भी देख सकते हैं, जैसे कि इट इज़ अ ब्यूटीफुल हाउस। एग्जांपल देखिए, इट इज़ अ ब्यूटीफुल हाउस, ठीक है, और यहाँ पे फुल स्टॉप है। मतलब ये क्या है, ये असर्टिव सेंटेंस है हमारा। अगर हमको इसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे करेंगे, व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस इट इज, व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस इट इज, एंडिंग विद अ हेल्पिंग वर्ब एंड एक्सक्लेमेशन मार्क। हो गया चेंज, कोई सेंस चेंज हुआ क्या? मैंने दोनों सेंटेंसेस में किस किस बारे में बात की, दोनों सेंटेंस में हमने इसके बारे में बात की कि वो घर कितना सुंदर है, और यहाँ पे भी वही बात की, तो दोनों सेंटेंसेस का सेंस चेंज नहीं हुआ, पर ये क्या हो गया, ये असर्टिव हो गया और ये हो गया हमारा एक्सक्लेमेटरी। तो हमने देखा कि कैसे हम असर्टिव को चेंज कर सकते हैं एक्सक्लेमेटरी में। अब आप मुझे पूछ सकते हैं कि अगर सेंटेंसेस में ए एन नहीं रहा तो फिर क्या करेंगे? अगर सेंटेंस में ए एन नहीं रहा तो हमारा फॉर्मेशन कैसे होगा, सब्जेक्ट प्लस हमारा ये यहाँ आ जाएगा, ए एन नहीं रहेगा, बस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसको कन्वर्ट करने के लिए हम यूज करेंगे ये वाला, तो वो हो जाएगा हाउ प्लस एडजेक्टिव प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब एंड एक्सक्लेमेशन मार्क। तो हम यहाँ पे कौन सा फंडा यूज़ करेंगे, हम यहाँ पे फंडा यूज़ करेंगे ये वाले, अगर सेंटेंस में ए एन है तो व्हाट लगाओ, अगर सेंटेंस में ए एन नहीं है तो हाउ लगाओ। तो ये हो गया इजी। तो इसके लिए एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं, हम कुछ भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि इट्स डिसगस्टिंग, ठीक है, इट्स डिसगस्टिंग, तो यहाँ पे व्हाट यूज करेंगे क्या, नहीं, हम यूज करेंगे हाउ, हाउ डिसगस्टिंग इट इज, हाउ डिसगस्टिंग इट इज। हो गया हमारा चेंज सेंटेंस। तो कभी भी बस इतना याद रखिएगा, जब हम असर्टिव टू एक्सक्लेमेटरी चेंज कर रहे हैं तो हमें ये वाला फंडा याद रखना है, अगर हमारे सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस में ए एन है तो हम यूज करेंगे व्हाट, और अगर हमारे सेंटेंस में ए एन नहीं है तो हम यूज करेंगे हाउ। ठीक है, ये हो गया हमारा ट्रांसफॉर्मेशन मेथड फॉर असर्टिव टू एक्सक्लेमेटरी। अभी सेकेंड वाला बहुत ईजी है, जैसे कि एक्सक्लेमेटरी टू असर्टिव। ठीक है, अगर एक्सक्लेमेटरी को असर्टिव में चेंज करना है तो क्या हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा और ये इधर, ये वाला इधर और ये वाला इधर। सिंपल है, जैसे कि व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस इट इज, तो उसका क्या होगा, इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल हाउस। बस याद रखना, जब भी हम एक्सक्लेमेटरी को हमारे असर्टिव सेंटेंसेस में चेंज कर रहे हैं तो हम वहां पे वेरी यूज कर सकते हैं।
ठीक है, जो हमारे फीलिंग एक्सप्रेस करने की कोशिश करेगा, हम हमारे सेंटेंस में एक एक्सप्रेशन डालेगा, तो ये सब वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा असर्टिव टू हमारा एक्सक्लेमेटरी। तो अभी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट फॉर्मेशन, जो कि आइए चलिए देखते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं कि कैसे हम करते हैं असर्टिव को चेंज इम्परेटिव में। देखिए, डायरेक्टली नहीं पूछेंगे कि कैसे असर्टिव को इम्परेटिव में चेंज करना है। यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं ये नोट कीजिएगा कि मेक इट असर्टिव और यूज़ और रिमूव शुड और शुडंट, ये रहेगा हमारा क्वेश्चन जब हम चेंज करेंगे असर्टिव टू इम्परेटिव में। इस चलिए आइए इस पहले इसका देखते हैं कि कैसा इसका फॉर्मेशन होता है। जब भी हमारे असर्टिव सेंटेंसेस में यू और शुड है, जैसे कि शुड है और उसके साथ में क्या है, शुड प्लस हमारा रह सकता है वहाँ पे वी वन प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, वी वन प्लस ऑब्जेक्ट है तो वो चेंज होगा सिर्फ वी वन प्लस ऑब्जेक्ट में। तो ये हो गया हमारा पहला फॉर्मेशन। और अगर शुडंट है, अगर हमारे सेंटेंस में शुडंट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट है तो वो चेंज होगा हमारा डोंट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट में। इजी है, ठीक है, ये हो गया। ये कैसे याद रखना है उसको बताती हूँ, हम इसको पढ़ते हैं एग्जांपल थ्रू। देखो हमें पता है ये है सेंटेंस, यू शुड ओबे एल्डर्स। मैं कुछ इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ क्या? नहीं, मैं एक सिंपल क्वेश्चन बता रही हूँ। ठीक है, अगर सॉरी मैं एक सिंपल सेंटेंस बता रही हूँ। अगर ये वाले असर्टिव सेंटेंस, ये असर्टिव सेंटेंस है, अगर ये वाले असर्टिव सेंटेंसेस को हमें चेंज करना है इम्परेटिव में, तो मैंने क्या कहा कि जब भी शूट के साथ वी वन प्लस ऑब्जेक्ट है तो वो किस में कन्वर्ट होगा? वी वन प्लस ऑब्जेक्ट में। तो इसका कन्वर्जन क्या होगा? यस, ओबे एल्डर्स। अब मैं इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ कि तुम्हें एल्डर्स को ओबे करना ही होगा। तो ये हो गया हमारा इम्परेटिव सेंटेंस का कन्वर्जन, कहाँ से? असर्टिव सेंटेंस से। हम शुडंट का भी देख लेते हैं, यू शुडंट टीज पुअर। ठीक है, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा? यस, डोंट टीज पुअर। हो गया हमारा असर्टिव चेंजिंग टू इम्परेटिव। कितना आसान है ना असर्टिव को चेंज करना इम्परेटिव में। बस याद रखना कि अगर हम शूट को, अगर क्वेश्चन में पूछा है कि शूट को रिमूव करो या शूट को ऐड करो, तो समझ जाना कि वो क्वेश्चन बोलना चाहता है कि तुम असर्टिव टू इम्परेटिव करो या इम्परेटिव टू असर्टिव करो, वाइस वर्सा। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि कैसे हमारा फोर्थ टाइप बनता है, जो है हमारा चेंजिंग फ्रॉम इम्परेटिव टू हमारा असर्टिव। क्या होगा यहाँ पे? इम्परेटिव मतलब क्या रहेगा? वी वन प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा, या तो कोई भी नॉट वाले शब्द रहेगा और उसके साथ वी वन प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा। कैसे कन्वर्ट करेंगे? सिंपल है, इसका उल्टा। तो यहाँ पे वो हो जाएगा, शूड आ जाएगा, सब्जेक्ट तो ऑब्वियसली रहेगा, यहाँ पे सब्जेक्ट रहेगा और यहाँ पे प्लस हमारा वी वन प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, और यहाँ पे अगर देख रहे हैं तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? शुडंट प्लस हमारा वी वन प्लस ऑब्जेक्ट। अभी देखते हैं इसके भी एग्जांपल्स। जैसे कि हम बोल सकते हैं, अगर हमें कोई फॉलो द रूल्स, मैंने बोल दिया फॉलो द रूल्स, तो ये क्या हो गया? मैंने इंस्ट्रक्शन या कमांड दे दी कि तुमको रूल्स फॉलो करने हैं, तो ये हो गया हमारा इम्परेटिव सेंटेंस। अब इम्परेटिव को जो असर्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है तो क्या हो जाएगा? यू शुड फॉलो द रूल्स। तो ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा असर्टिव सेंटेंसेस। बस आज हमने जितना देखा उसको याद करने की एक छोटी सी टेक्निक है, चलिए आइए फिर से देखते हैं। तो आज हमने पढ़ा कि कैसे ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब उसका फॉर्म चेंज करना होता है, पर उसका सेंस चेंज करना होता है क्या? नहीं, हमारी बातें वही रहेंगी, बस हमारे सेंटेंस का स्ट्रक्चर बदलेगा, उसका टाइप ऑफ सेंटेंस बदलेगा। ठीक है, हम आगे भी बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे हमारे नेक्स्ट सेशंस में। तो आज हमने कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा? असर्टिव टू एक्सक्लेमेटरी। अभी असर्टिव टू एक्सक्लेमेटरी में हमने सबसे पहले पढ़ा कि कैसे हमारे सिंपल सेंटेंसेस को हम कन्वर्ट करेंगे हमारे असर्टिव एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में। इसमें हमने देखा एक फंडा, अगर व्हाट कब यूज करना है, जब क्वेश्चन में हमारे सेंटेंस में an है तब, और हाउ कब यूज करना है जब हमारे सेंटेंस में an नहीं है। इसके हमने एग्जांपल्स भी देखे, ये सिंपल फॉर्मेशन है। ठीक है, हमें कुछ नहीं, हमें बस
हमारा बेसिक्स याद रखना है। हम वो बोलते हैं ना बिल्डिंग ब्लॉक्स आर द बेसिक्स, तो हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स, हमारे फॉर्मेशन के फॉर्मूले अगर हमें याद है तो हम कन्वर्जन ईजिली कर सकते हैं। अगर हमें असर्टिव का याद है तो एक्सक्लेमेटिव में क्यों चेंज ना करें, बस याद का क्या रखना है, ये याद रखना है। फिर हमने देखा कि कैसे असर्टिव चेंज होता है इंपरेटिव में, तो यहाँ पे भी बहुत ईजी था, हमें पता था इंपरेटिव मतलब सिर्फ क्या होता है V1 प्लस ऑब्जेक्ट, और असर्टिव हमारा है ही, तो हमें बस उसको एक इंस्ट्रक्शन वाले फॉर्म में डालना था। उसके बाद में जब उसका रिवर्स हुआ, वाइस वर्सा हुआ, तो भी बहुत ईजी था। अगर हमारे पास इंस्ट्रक्शन वाला कोई सेंटेंस दिया है तो हमें उसको असर्टिव में चेंज करना था। अगले सेशंस में हम देखेंगे कि कैसे हम चेंज करते हैं बहुत डिफरेंट टाइप्स, जैसे असर्टिव टू इंट्रोगेटिव या कुछ और ऐसे टाइप्स के। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, आप प्रैक्टिस कीजिए इसकी, इट विल बी मोर बेटर फॉर यू। चलिए, थैंक यू।